पहले मंच में जाने से पहले तो हर दफ़ा अलग अलग कुछ मन में आता है, ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ आता है। और प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है अगर आप खुल के मज़ा लेना चाहते हैं उस चीज़ का, क्योंकि जब मंच पे मैं जब एंजॉय करूँगा तभी ऑडियंस एंजॉय करेगा, पहले तो सबसे बड़ी बात वो है। और वो एंजॉय करने के लिए आपको सब चीज़ खुद ब खुद आना चाहिए, बजाना गाना, तो उसके लिए बहुत सारा तैयारी चाहिए होता है। और ख़ासकर सिंगर्स के लिए तो ये आइसक्रीम ना खाओ, एसी में ना रहो, हमारा इतना स्ट्रेसफुल है, लोगों को पता नहीं 7 महीने पहले लोग बुक कर देते हैं शो, और सोचिए मैं उस दिन बीमार पड़ गया तो उसका स्ट्रेस मुझे 7 महीने पहले से ही अंदर रहता है कि मैं बीमार ना पड़ूँ। यहाँ पे 3,000 लोग टिकट खरीद के आएंगे, उनका पूरी शाम का मैं बर्बाद कर दूँगा अगर मैं गा नहीं पाया। सो दैट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों को दिखते नहीं लगते कि आते हैं रॉकस्टार गाते हैं, लेकिन बहुत तैयारी होता है पीछे, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए होता है, नहीं तो आप डिसअपॉइंट करते हैं ऑडियंस को। मेरे माँ बाप भी म्यूजिशियंस थे, तो आपने पूछा वो स्टेज में चढ़ने से पहले हमेशा मैंने मम्मी और पिताजी को देखा था ऐसे, वो सीढ़ियों से चढ़ते ना वहाँ पे 2 मिनट एकदम ऐसे चुप होते थे, जस्ट टू डिटैच फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि सुबह से दिन का जो भी गया है टेंशन कुछ भी हो वो छोड़ के मुझे बोलते थे कि मंच हमारा मंदिर है और जो श्रोता है, जो ऑडियंस है, वो हमारा भगवान है। दैट्स हाउ दे यूज टू डू, एंड मैं भी वो कहीं ना कहीं रखता हूँ कि इसी के लिए ये मोमेंट है मेरा जब गाता हूँ, ये ही कि आज अभी भी ऐसा गाना चाहिए कि अभी दुनिया ख़त्म भी हो जाए तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं, मतलब मैंने अपना पूरा निभाया। हमेशा यही सोचते हैं जितने भी म्यूजिशंस हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो म्यूजिशंस हैं, शायर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, उन सब के लिए हम करते रहें कुछ ना कुछ, सिर्फ अपना ना सोचें हमेशा, तो उसके लिए सौरभ दफ्तरी जैसे ऑर्गेनाइजर्स भी चाहिए जो अपनी मेहनत लगाते हैं, लोगों से कांटेक्ट करते हैं, स्पॉन्सर्स ढूंढते हैं, टिकट सेल करते हैं, सब कुछ अरेंज करके, और फिर गाना तो गाते हो सिंगर हो, लेकिन सब कुछ इंतज़ाम करके और अच्छे पैसे इकट्ठा होते हैं वो हम लोग उसी दिन वहाँ देते हैं, कुछ लोगों को वहीं बुला लेते हैं देने के लिए। और उसके बाद कुछ मेडिकल पॉलिसीज़ भी ये अरेंज कराते हैं जो कई साल तक उन म्यूजिशंस को, उन शायरों को मेडिक्लेम भी देते हैं, तो ये बड़ी बात है। और हम लोग हमेशा इनके साथ हैं, जब ये कहते हैं ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है सब आ जाते हैं, सोनू निगम आ जाते हैं, हरिहरन है, पापोन हैं, मैं तो पहले साल से जुड़ा हूँ, बाबुल सुप्रियो हैं, अब वो मंत्री बन गए लेकिन फिर भी आते हैं तो बहुत लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि सब अपनी तरफ से फ़ोन करते हैं इनको कि भाई इस बार हमको आना। तो इस बार जब मैंने फ़ोन किया इन्होंने कहा नहीं इस बार आपको नहीं आना तो मैंने कहा कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बुला लो तो हम इसमें आ गए। लेकिन इस तरह से सबके अंदर एक ख्वाहिश है, जज्बा है कि इस तरह के काम में सब आए, सब काम करें, सब जुटें और एक अच्छा रिजल्ट इसका दिया जाए, तो उसी के लिए हम लोग सब मिले हैं। हमारे इस बार का जो रहमतें हैं उसमें आप देख रहे हैं पपोन यहाँ हैं और अभी तक अंकित तिवारी हैं, शान हैं, आज ही मेरी अंकित से बात भी हुई थी, शान से भी 2 दिन पहले बात की थी, सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं, ये तीनों मिलके 3 इक्के हैं इस बार।